ये देखिए आ रहे हैं हमारे फिशर जो है वो आ रहे हैं। आज की इनकी एंट्री देखिए कैसे रहती है। रुको रुको, अभी यहाँ से ये बोट से और इनाव से ये नदी पार करेंगे, उसके बाद जो है फिर आगे का हम आपको दिखाते हैं। एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू गेट सम फिश एंड आर फिशर इज ऑल्सो रेडी। सो लेट्स चेक इट आउट व्हाट्स गोइंग ऑन रिवर। This is an precious view, as you can see that. As you can hear that, our fisher is talking about some fishing techniques. And also they are talking about water. This looks like a This is inside of the river. That's called underwater grass. Some shells are taking part in the river and they are enjoying. As you can see the Aslam bhai is talking about some fishing, where should I fish or not. So he thinks that we have to go on another place. So let's get जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आपको यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बिगेस्ट फिशर सामने दिख रहा होगा वो आता हुआ। इसको जो है मुन्ना कहते हैं, जिनकी रज़ाई की हम बात कर रहे थे लास्ट वीक, ये वही है। इनकी एक रज़ाई वहाँ पे छूट गई थी, आप लोगों ने शायद वीडियो में गौर किया हो। तो ये बंदा रात को पार्टी करता है नदियों के किनारे, तो इसकी रज़ाई कभी कभी छूट जाती है नदियों पर। तो कई जगह इसकी रज़ाइयाँ पड़ी हुई हैं, कंघी है और बहुत सी चीज़ें हैं इनकी जो है नदियों पर पड़ी हुई हैं। आप ये पूरा सीतापुर हरदोई का जो ये बॉर्डर रहता है, इसका किनारा गोमती का, ये मुन्ना भाई के कपड़ों से बिल्कुल भरा हुआ रहता है। इनका जो ऐश करने का तरीका है वो सबसे ही डिफरेंट है। ये हमारे मुन्ना भाई हैं, बहुत ही बड़े शिकारी हैं। शिकार करने में तो इनका जो है कोई शुमार नहीं, ये जो खेत में बैठे हैं इसी खेत में मछली मार सकते हैं बिना पानी के। अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने बड़े शिकारी हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते रहेंगे, बाकी आगे का जो भी प्रसारण है वो जारी है। ये यहाँ के लोकल बच्चे हैं, देखने आए हैं क्या फिशिंग टेक्निक्स।
पानी साफ है, बहुत दूर तक मिट्टी दिख रही है। हम तो गए तो वह पर रहे दिख सकते टंगाड़ी संगाड़ी है का। बरसात एक टाइम हो तो यहाँ पर बहुत बढ़िया से कर रहे हैं, जो पतला खून निकल रहा है ना वही टाइम। वहाँ डाले होते हैं बाहर में नील रही है, देखो पकड़े पकड़े नील रही है, पता नहीं शायद नील मेरे कटरे में तो बोर हो लगा है। कहाँ बोर है यार, बिल्कुल कंफर्म है तो 50 ग्राम बांध। बोलो ना बोलो ना, जगह बोल ना रही वहाँ मछली नहीं ला रही, देखो ना कहाँ हिल यार नहीं हिल रहा है, जहर है किल्ला कंफर्म। तो ये ट्रेडिशनल तरीका है फिशिंग का। असलम भाई कह रहे हैं कि शायद बामा जो मछली है वो आ चुकी है, लेकिन ये ऐसा लगता नहीं है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अभी नहीं, वो अंदर दिख रही है पानी में, पानी काफ़ी गंदा है इसलिए दिख नहीं रही है, लेकिन वैसे दिख रही है ऊपर से विदाउट कैमरा, कैमरे में तो नज़र नहीं आ रही है। मरी पता नहीं मैं किस पे, तू बड़ा अफसोस हुई है, वेट करो यार, हमारे जो नेचर वेट करो, क्या पता मिले, छोड़ दो। लेकिन वो जो उल्टा कस पड़ी है समझ लो पड़ी है और क्या। असलम भाई ऐसा लग रहा है कि तैयार नहीं है, इस वजह से जो है थोड़ा से झिझक रहे हैं उसको मारने में। नहीं बिल्कुल भी नहीं है, नहीं वो अलग है, लग नहीं रहा है? लग नहीं रही है, आराम से उठा गए कॉल का, खुद ही पता चल जाएगा जैसे अगर हिलाओगे। हाँ फंसी है, फंसी उठा लो उठा लो आराम से। ये देखिए यहाँ पे मछली आ रही है, देखिए तो आपको दिख रही होगी, इसका साइज काफ़ी अच्छा है। असलम भाई ने ये कमाल कर ही दिया आखिरकार, चलिए देखते हैं क्या करते हैं।
ये देखिए साइज तो काफी अच्छा है, उधर बढ़ के जाएंगे थोड़ा सा और यहाँ पर ये कमाल देखो कि नहीं है कि बिल्कुल तनिक सरीक है। गुड, चलिए पैक कर लो उसको। दीज आर लोकल फिशर एंड दे आर सिंगिंग सम ट्रेडिशनल सॉन्ग एट ऑन देयर बोर्ड, सॉरी बोर्ड। They caught some bigger fishes. जैसा कि आप लोग देख रहे हैं नदी के उस पार जो है ये मेरे खान बाबा दिख रहे हैं आपको। आई थिंक ही इज प्रिपेयरिंग फॉर सम अदर टेक्निक एज यू कैन सी दैट। ही इज पुटिंग आउट सम असलम भाई वाले में कुछ ऐसा लग रहा है कुछ था पर अभी कुछ नहीं है, कुछ कह नहीं सकते। असलम भाई देखते हैं क्या करते हैं, अगला कदम क्या होगा असलम भाई का, देखते हैं क्या होता है। फंसा होएगा कहीं, लेकिन खींचने से ऐसा लग रहा था कि मतलब कोई खींच रहा है। नहीं कुछ नहीं, वो उधर से पड़े रहा है, जितना है सब उधर है, एक फंस रहा है। नहीं कहाँ धरी देखो, वो गाने सुन रहे हैं, वो ओल्ड सॉन्ग सुन रहे हैं। चले ना जाओ हम, देखो निकालो क्या। यस यू गॉट इट यार असलम भाई, बहुत बढ़िया, जॉली गुड। अभी होएगी, अब शिकार अच्छी है? अभी अच्छी होगी, दिखाना जरा इस साइड में। गुड, बिल्कुल वही साइज जगह है, एक साइज जगह है दोनों। फिशिंग ओवर हो चुकी है, अब यहाँ पर थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं, उसी की वजह से आए हुए हैं। असलम भाई हाथ पैर साफ कर लिए हैं, अब जो है बैग वगैरह पैक हो चुका है तो चलने की तैयारी में है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा
और शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी देख पाएं। ये जो नाव है नदी के उस पार है, बच्चे लेके घूम रहे नाव को। कुछ लोग यहाँ पे नदी के सहारे ही रहते हैं क्योंकि उनको ये क्रॉस करनी होती है, तो अभी ये क्रॉस करने के लिए आ रहे हैं। अभी वहाँ पे इस नाव पे अपनी बाइक को चढ़ाएंगे और दूसरी तरफ लेके आएंगे। मैंने बाइक उधर ही पार्क करके रखी, दिखाता हूँ आपको। हाँ ये देखिए, ये मेरी बाइक है, मैंने उधर ही पार्क करके रखी। तो हम पहले रिवर को क्रॉस करेंगे फिर उसके बाद निकलेंगे। हम लोग नाव पर आ चुके हैं और रिवर क्रॉस कर रहे हैं। ये देखिए पानी, वहाँ पर जाना है हमें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हम इस तरह के वीडियो लाते रहें। सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।